लास्ट लाइन में कोई डाउट है? अच्छा क्वेश्चन तो मेरे पास है नहीं, मिटा दिया। चलो अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, मैं देख के बता देता हूँ जो डाउट है। ठीक है चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दो, मैं अभी देख के बता दूंगा जो डाउट होगा। देखो जितना मैंने दिया था, अगर अगर उनमें सारे क्वेश्चंस बन गए तब लगभग इंटीग्रेशन के फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, चीजों को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर नहीं बन रहा है, क्योंकि सारे बेसिक्स थे, वन लाइनर क्वेश्चन थे सारे के सारे, कोई ऐसा नहीं था कि जो न बने उसमें, फिर भी अगर कुछ न बने तो फिर पूछ लेना उसको। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन, tan स्क्वायर को वन ऐसे करो, tan स्क्वायर को क्या लिख लो, sec स्क्वायर x माइनस वन। ठीक है, अब sec स्क्वायर का tan हो जाएगा, वन का x हो जाएगा। बेटा सॉल्यूशन मैंने, तुमने डिस्कस तो कर लिया था ना, और उतना सॉल्यूशन मैं नहीं भेज सकता ना यार, एक दो क्वेश्चन हो तो भेज सकते हैं यार, उतना कैसे सलूशन कोई भेज सकता, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल हो बताओ। जब डाउट का क्लास रखा था उस दिन पूछ लेना चाहिए था ना सारे जो भी था तुम्हारे, तभी तो डाउट रखा था मैंने, जो डाउट है वो पूछ लो सर। तो उस दिन पूछा क्यों नहीं, जब मैंने पूरी क्लास ही डाउट के लिए रख दी थी, तो उस दिन पूछ लेना चाहिए था ना। डाउट क्लास से मतलब नहीं कि जो डाउट है वो पूछ लो जितने हैं। चलो और इसमें कोई डाउट नहीं है ना, स्वास्तिक भेज दो अगर तुम भेज सकते हो 18 और 15, मेरे को ध्यान नहीं है तो मैं अभी बता दूंगा। ठीक है चलो, ये एक ऐसा मेथड है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि इंटीग्रेशन का चाहे तुम जो भी क्वेश्चंस करो वो हर एक क्वेश्चंस में ये मेथड अप्लीकेबल होगा ही होगा। ठीक है, ये एक तरह समझो कि ये एकदम बेसिक्स मेथड है, जो कोई भी क्वेश्चंस करोगे हर एक क्वेश्चन में अप्लीकेबल होगा, और बिना इसके अप्लाई किए हुए क्वेश्चंस हम नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे बेसिक्स भी है और इम्पोर्टेंट मेथड भी है सबसे ज्यादा। ठीक है, और आसान भी है, एक बार समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे नाम में ही सब्स्टिट्यूट करना है चीजों को मानना है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है ही। ठीक है, एक छोटा सा मैं तुमको दिखाता हूं कि जैसे मान लो अगर तुमसे कोई इंटीग्रेशन पूछू मैं कि भाई cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो तुम क्या बता दोगे, sin x, ये बताओगे। लेकिन इसी में मान लो cos of sin x cos x का इंटीग्रेशन, तो देखो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था तो इसका हमने तुरंत बता दिया, लेकिन एक सैंपल है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब ये देखो cos के अंदर x था और उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। ठीक है, cos के अंदर x था ठीक है, cos के अंदर x था और उसी के अंदर इंटीग्रेट कर रहे थे तो हो गया। अब इसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, इसी में ये यूज करते हैं कि देखो cos का आर्गुमेंट क्या हो गया, sin, तो इसमें क्या करते हैं कि अगर मान लो sin x को कुछ मान ले अलग वेरिएबल t मान ले, तो अगर देखो होता क्या है कि दो काम करना पड़ता है, अगर आपने आर्गुमेंट चेंज किया जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो उसके साथ हमें dx वाले का भी पार्ट चेंज करना पड़ेगा। देखो dx का क्या मतलब हुआ, दिस इंटीग्रेशन जो है वो हमेशा x के रेस्पेक्ट में डन होगा, लेकिन जैसे मान लो तुमने इसको x वाले पार्ट को t में चेंज कर दिया, तो ये फंक्शन ऑफ t बन गया। तो अगर कोई फंक्शन ऑफ t बन गया तो वो इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में होगा, t के रेस्पेक्ट में। तो जो फंक्शन ऑफ t है उसके साथ क्या आना चाहिए, dt आना चाहिए। तो देखो अगर मान ले साइन को t मान लिया, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखो ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा cos ऑफ t बन जाएगा। तो cos ऑफ t के साथ dx नहीं लिख सकते, dx इंटीग्रेट x वाले पार्ट को करेगा या x वाले फंक्शन को करेगा, तो
तो अगर टी आ गया तो टी को इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डी टी यानी टी वाला पार्ट चाहिए। तो देखो इसमें दो हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, एक फंक्शन को टी के रेस्पेक्ट में और दूसरा डीएक्स को भी डी टी के रेस्पेक्ट में। तो जैसे हमने किसी फंक्शन को टी माना ना, देखो बड़ा आसान है, एक बार जब करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें दो काम करना पड़ता है, पहला देखो साइन एक्स को टी मान लिया, ठीक है। अब दोनों साइड क्या करो, इंटीग्रेट करो। दोनों साइड ऐसे बोल सकते हो कि देखो साइन का इंटीग्रल क्या हो गया कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। मतलब इस फंक्शन को हमने टी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, साइन एक्स को टी माना, तो दोनों साइड अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का डिफरेंशियल कॉस और dt by dx हो गया। अब अगर dx को इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos x into dx equal to क्या हो गया dt। यानी ये जो नंबर है, ये नंबर हमेशा किसके इक्वल हो गया, dt के इक्वल होगा। जो cos x into dx होगा हमेशा किसके इक्वल होगा, dt के इक्वल होगा, और sin x किसके इक्वल होगा, t के होगा। तो जो इंटीग्रेशन था उसको अगर चेंज किया जाए तो क्या बनेगा, ये कॉस के अंदर साइन था तो साइन को हमने क्या माना टी, ये क्या बन गया कॉस टी। और ये देखो ये वाला पूरा नंबर क्या है, ये पूरा नंबर है कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और कॉस एक्स इंटू डी एक्स ही क्या बनेगा डी टी, ये क्या बन गया कॉस टी डी टी। यानी इसी टाइप का क्वेश्चन बन गया ना, ये कॉस एक्स डी एक्स था, ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स था, और ये क्या बन गया, ये बन गया कॉस टी डी टी। तो अगर कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है तो cos t dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin t plus c। अब क्योंकि क्वेश्चन जो ओरिजिनल था वो x के रिस्पेक्ट में था, उसमें t तो था नहीं, तो लास्ट में क्या करेंगे, जो तुमने t माना है t इज रिप्लेस्ड बाय जो फंक्शन तुमने माना है, यानी ये क्या बन जाएगा sin ऑफ sin x plus c। तो आंसर क्या आएगा sin x plus sin x, सॉरी sin ऑफ sin x बन जाएगा, ठीक है। तो देखो दो बातें समझना, जो इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है उसमें समझने के लिए, वो ये है कि हमने किसी को टी मान सकते हैं जो तुम्हारा मर्जी हो। मानने से फायदा, देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, जैसे तुमने कुछ माना इतना छोटा क्वेश्चन बन गया, तो ये सिंप्लीफाई होकर छोटा बन गया, ठीक है, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। तो हमारा काम क्या होता है कि इसको ईज में या फिर आसानी आसान क्वेश्चन में कन्वर्ट करना, तो इसके लिए हम ये मानते हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन क्या हो जाए थोड़ा आसान बन जाए छोटा बन जाए, उसके लिए माना जाता है। तो देखो मानने के लिए हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये होता है कि अक्सर उसी पार्ट को टी माना जाता है जिसका डिफरेंशियल उस क्वेश्चन में अवेलेबल हो, ध्यान देना। देखो साइन एक्स को तुमने माना तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा कॉस, तो अगर मान लो कॉस नहीं होता, अगर यहां देखो अगर ये कॉस नहीं होता तो क्या हम इसके जगह पर डीटी लिख पाते, नहीं लिख पाते, फिर मुश्किल होता। तो हमारा प्रेफरेंस ये रहेगा कि हम उस टर्म को टी माने जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद वो टर्म उस इंटीग्रेशन में अवेलेबल हो, ठीक है ना। हमें उसी टर्म को टी मानना है, क्योंकि टी मानने के लिए हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमें दो पार्ट को चेंज करना है, एक टी और दूसरा डीएक्स, मतलब एक एक्स वाला और दूसरा डीएक्स वाला, और दोनों को टी के रेस्पेक्ट में लेके जाना है। तो टी जब तुम मानोगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, लेकिन डीटी के लिए लाने के लिए डीएक्स वाले पार्ट इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये पार्ट नहीं रहेगा तो उसके जगह पर हम ये पार्ट लिख ही नहीं सकते। तो अगर हम ये नहीं लिख सकते तो पूरा का पूरा क्वेश्चन टी के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, समझ गए ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन टी के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। तो दो बातें हमें याद रखना है, पहला कि टी उसको माना जाता है जिस टर्म का डिफरेंशियल उस क्वेश्चन में अवेलेबल हो। मानते क्यों, ताकि क्वेश्चन के जो फॉर्मेट है उसको छोटा किया जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, जिससे क्वेश्चन सोल्व हो पाए, ठीक है ना। किसको मानते हैं, मान सकते हैं उसी को जिसका डिफरेंशियल उस क्वेश्चन में अवेलेबल हो, समझ गए। क्यों मानते हैं, ताकि वो क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। कोई डाउट किसी को, समझ में आया क्यों मानते हैं और किसको मानते हैं, दो टर्म है, ठीक है। किस टर्म को माना जाता है और क्यों माना जाता है, दोनों क्लियर होना चाहिए कि मानने के पीछे रीजन क्या है, ताकि जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो पाए। सेकेंडरी किस टर्म को मानते हैं, तो उस टर्म को मानते हैं जिसका डिफरेंशियल वहां पर अवेलेबल हो, ताकि हम dt लिख पाए, क्योंकि अगर एक टर्म t में जाएगा तो उसके साथ dt आएगा, तभी वो डिफरेंशिएट होगा, सॉरी इंटीग्रेट होगा, समझ गए। वो डिपेंड करता है क्या बनाना है। चलो
ठीक है, तो ये अपना समझने का हो गया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो जैसे मान लो ऐसा है, जैसे ऐसे क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, तो सेम वही बात है, क्या करना है ऐसे मानेंगे लेट। अब देखो इसका आर्गुमेंट जी है और जी को अगर मानते हो तो जी का डेरिवेटिव क्या आएगा, जी डैश, और वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ क्या मान लेंगे लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा जी डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी जो इंटीग्रेशन था वो चेंज होके क्या बन जाएगा एफ ऑफ टी इंटू डी। चाहो तो ये लाइन ना लिखो, इसके जगह पर मतलब ये वाला टर्म है, इसके जगह पर डायरेक्ट ये लिख दो x के साथ dx वाला टर्म और t के साथ dt वाला टर्म, ठीक है। तो ये वाले जो मिडिल स्टेप है इस पे स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। dx के gx का डेरिवेटिव क्या आएगा g डैश, और इसके साथ dx आ गया और t का डेरिवेटिव dt आ गया, ठीक है। तो जो इतना बड़ा क्वेश्चन था वो चेंज हो गया, क्या हो गया इतना छोटा बन गया, ठीक है। हमने जी क्यों माना, क्योंकि जी का डेरिवेटिव था, अगर जी का डेरिवेटिव नहीं होता तो हम नहीं मानते, कुछ और ढूंढते कि किसको माना जाए जिसका डेरिवेटिव हमें मिल जाए। समझ में आया, चलो ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो सारे इंटीग्रेशन तो एकदम फिंगर टिप को होना चाहिए, वो पूरे याद होने चाहिए, ठीक है, उसकी ड्यूटी तो तुम्हारी ही है, ठीक है। अब हमें चार स्टैंडर्ड और है, ठीक है ना, याद करो तो लास्ट क्लास में हमने टैन का इंटीग्रेशन, कॉट का इंटीग्रेशन, सेक और कोसेक, ये चार इंटीग्रेशन हमने नहीं किया, ठीक है ना, उसको हम यहाँ करें, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि इसके रिजल्ट को हमें याद रखना है, बार बार यूज होगा ये, हमें tan x dx का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है ना। अब देखो tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x upon cos x dx, ठीक है, ध्यान दो एक समझ लो फिर उसके बाद आप करते रहना। अब देखो cos, अगर हम साइन मानते हैं तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस, और कॉस मानते हैं तो साइन, कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है साइन, और दोनों अवेलेबल है, ठीक है ना। लेकिन देखो अगर मान लो साइन को टी मान, ध्यान देना, अगर साइन एक्स को टी मानते हैं तो ये डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन का डिफरेंशियल कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ध्यान देना यही समझने वाला कंसेप्ट है एक, कि देखो साइन का डिफरेंशियल कॉस है तो कॉस एक्स डी एक्स के जगह पर जहां जहां साइन है वहां तो टी आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन dt के लिए क्या मिलना चाहिए, dt के लिए हमें cos x into dx, यानी cos और dx दोनों साथ में होना चाहिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है cos नीचे है और dx ऊपर है, यानी cos और dx दोनों साथ में नहीं है, साइन का डिफरेंशियल cos होगा वो मिल भी रहा है दिख भी रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो cos जो है dx के साथ में नहीं है, दिख रहा है ना, और जब तक cos dx के साथ में नहीं होगा तब तक हम उसको dt लिख नहीं पाएंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ ये मानना ठीक नहीं है भाई, हमें उसको मानना है ना जिसका dt मिले वहां पे, लेकिन इसका तो dt मिल नहीं रहा है, समझ रहे हो, तो ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि भाई कोई भी डिफरेंशियल दिख गया और कहीं भी दिख गया तो तुमने मान लिया, हमें मानना उस टर्म को है जिसके साथ dx का टर्म अवेलेबल हो, समझ गए ना। तो क्या मानेंगे यहाँ पर cos x को मानेंगे, तो cos x को t मानेंगे, cos का डिफरेंशियल माइनस sin x dx इक्वल टू dt, तो यहां से क्या आ जाएगा sin x dx equal to minus dt, ये आएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया अपना, sin x था तो वहां t आ गया, सॉरी cos x नीचे था cos को t माना था तो 1 by t आ गया, sin into dx तो है और sin into dx किसके इक्वल है minus dt के इक्वल, तो ये हो गया minus dt, यानी क्या हो गया minus dt by t, तो स्टैंडर्ड में आ गया ना। dt by t का इंटीग्रेशन क्या होता है ln t, यानी माइनस ln t प्लस c हो गया, t क्या माना था हमने
कॉस, ये क्या आ जाएगा माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी। फिर एक फॉर्मूला क्या होता है कि एल एन के बाहर कोई नंबर हो तो उसको हम लोग नंबर के पावर में आ जा सकता है, तो ये कोफिशिएंट माइनस वन है तो इसको क्या लिख सकते हैं एल एन कॉस एक्स की पावर माइनस वन प्लस सी, पावर माइनस वन था ना, और कोई अगर कोफिशिएंट बाहर हो तो उसको लॉग के पावर क्या ना नंबर के पावर में डाल सकते हैं, वैसे वर्षा अगर यहाँ कोई नंबर है तो बाहर आ जाएगा और यहाँ कोई नंबर है तो वो पावर में आ जाएगा, तो कॉस की पावर माइनस वन का मतलब क्या बन जाएगा सेक एक्स बन जाएगा, तो ये क्या बन गया सेक एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया इसका, समझ गए, तो याद रखना है ये रिजल्ट बार बार होगा, ये नहीं कि बार बार तुम निकालते रहो इसको, ठीक है, इसलिए मैं स्टैंडर्ड में लिखा रहा हूं इस रिजल्ट को, आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स डीएक्स क्या होगा एल एन सेक एक्स, ठीक है, माइनस लॉग कॉस को लिखा नहीं होता, बेसिकली सेक ही लिखा होता है ज्यादातर क्वेश्चन में, समझ गए, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट तो फिर नहीं किसी को, चलो तो इसका निकालो, हाँ जेई में इतना थोड़ी करो, जेई में तो रिजल्ट ही होगा ना, जेई में हमें इतना थोड़ी करना है, जेई में तो तुम्हें याद होना चाहिए, कहीं भी अगर इंटीग्रेशन ये आया ना तो उसको तुरंत ये लिखना है, तो रिजल्ट हमें याद रखना है, वाया इस तरीके से हम यहाँ पहुंचते हैं ये तो फिर, ठीक है, रिजल्ट तो याद रखना है, रिजल्ट डायरेक्ट यूज करेंगे इसका, निकालो तो निकालो, ठीक है भैया, सेकंड तो वही एलेंट टाइम टाइप का है, इसको क्या लिख सकते हो भाई, ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स डीएक्स,
साइन एक्स को टी मान लोगे तो ऊपर वाला पूरा टर्म क्या बन जाएगा डी टी, तो डी टी बाई टी, और डी टी बाई टी क्या हो जाएगा एल एन टी, यानी क्या बन जाएगा एल एन साइन एक्स प्लस सी। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्वेश्चंस बनाने आ जाए लेकिन मान लो रिजल्ट याद नहीं हो तो वो भी गड़बड़ है, रिजल्ट याद होना चाहिए कंपलसरी ये सब चीजें, ठीक है। अब थर्ड में करा, थर्ड थोड़ा अलग है, sec x का करने के लिए देखो क्या करते हैं इसमें, sec x plus tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसमें, ठीक है, sec x plus tan x से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब क्यों करते हैं वो मैं बताता हूँ। अब अगर नीचे वाले टर्म को t मानोगे, मान लिया लेट ठीक है, इसको t मान लिया, अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो sec x का क्या आएगा, sec x into tan x, और tan x का डिफरेंशियल क्या आएगा sec square x into dx और इधर dt, ठीक है। अब देखो अंदर से sec x कॉमन ले लो, तो ये तो बचेगा, अंदर से sec x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ tan बचेगा और यहाँ sec बचेगा, तो देखो क्या आ गया sec x into sec x plus tan x। तो ध्यान दो न्यूमरेटर में जो नंबर है, देखो न्यूमरेटर में क्या नंबर है, न्यूमरेटर में sec x into sec x plus tan x, और वही यहाँ आ गया, यानी ये पूरा जो न्यूमरेटर का पार्ट हुआ वो किसके इक्वल हो गया, dt के इक्वल हो गया, और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया t हो गया, यानी ये dt by t आ गया, dt by t का मतलब ln t, यानी देखो एक रिजल्ट तुम ये लिख सकते हो, लेकिन बेसिकली जेई में या किसी भी पेपर में sec x का इंटीग्रेशन ये नहीं लिखा होता, बहुत कम है, रेयर है कि भाई तुम्हें उसके जगह पर ये रिजल्ट लिख के आए, आ सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन इस रिजल्ट के आने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट यूज करके, तो अगर इसको साइन कॉस में चेंज करोगे आप तो sec क्या हो गया 1 by cos, और tan क्या हुआ sin by cos, LCM लोगे तो क्या बनेगा भाई, LCM लोगे तो बन जाएगा 1 plus sin और नीचे आ गया cos, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन दिया था याद करो लास्ट क्लास में, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 plus sin x, और किया होगा तो हालांकि मुझे इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 plus sin x था, देखो एक फॉर्मूला होता है कि 1 plus sin x क्या होता है, 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये वन के जगह पर है, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, और साइन एक्स का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज करो, यानी क्या हो जाएगा टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा देखोगे तो क्या बन गया, ये बन गया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, तो बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, नहीं याद है तो फिर ये दिक्कत वाली कंसेप्ट है कि याद होने चाहिए सब चीजें, बेसिक्स एकदम ये याद होना चाहिए, जैसे 1 plus sin दिया तुरंत तुम्हें ये याद होना चाहिए कि 1 plus sin को क्या ले सकते हैं sin x by 2 plus cos x by 2 का होल स्क्वायर, अगर मान लो यहाँ 2x होता तो यहाँ x हो जाता, मतलब जो एंगल यहाँ होता उसका हाफ एंगल इधर आता, ठीक है। सिमिलरली cos x का एक हाफ एंगल वाला फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, cos x का क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर x by 2 minus sin स्क्वायर x by 2, ठीक है। अब देखो ये ध्यान दोगे तो ये क्या लिखा हुआ, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ln के आर्गुमेंट वाले पार्ट को, ये 1 plus sin x ठीक?
वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स को अभी हमने डिराइव किया, ये वाला पार्ट ये है कॉस एक्स बाई टू और कॉस की जगह पर ही है। अब यार ये क्या है, ये ध्यान दो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। इसके जगह पर ये लिख लिया। अब देखो एक एक फैक्टर कैंसिल आउट हो गया ऊपर से, तो ये क्या आ गया, ये आ गया कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। अब क्या करो, इस पूरे में साइन एक्स से डिवाइड करो, सॉरी कॉस एक्स से डिवाइड कर दो, पूरे में न्यूमरेटर में और डिनोमेटर में कॉस एक्स को डिवाइड कर दो। तो कॉस एक्स से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा वन प्लस ये आ गया। हालांकि ये इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा ट्रिगो का पार्ट है और ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, डिराइव करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें एक और लिख सकते हैं, वन को टेन पाई बाई फोर ये आ गया, देखो इसमें डाउट तो नहीं किसी को, नेक्स्ट था अपना एक सेक के जगह पर कोसेक था, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट वाले का रिजल्ट क्या आ गया, एल एन सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ये तो डिराइव ही किया था हमने, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बन गया, टैन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो इसका रिजल्ट जनरली ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यही ज्यादा यूज होता है तुम्हें। तो क्या आ गया, एल एन टैन ऑफ पाई बाई फोर प्लस, ये समझ गए ना, वन था ना तो वन को क्या ले सकते हैं, टैन पाई बाई फोर वही तो होता है, तो वन की जगह टैन पाई बाई फोर लिख दिया, वन के बराबर ही है। हमने इस तरीके से इसलिए लिखा ताकि ये टैन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b क्या होता है, tan a plus b, तो वही लिखा हुआ है। लिखने का पर्पस यही है कि ये tan a plus b वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा।
फोर्थ का रिजल्ट निकालो, फोर्थ में बस जैसे यहाँ पर sec x plus tan x से मल्टीप्लाई किया था ना, इसमें जो मल्टीप्लाई करते हैं वो cosec माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें इस टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर वही बात, नीचे को t मानेंगे तो ऊपर dt, डिराइव करोगे खुद से। थर्ड वाले में किसी को डाउट नहीं है? फोर्थ में कोसेक माइनस कॉटेक से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, एक बार पूरा डिराइव कर लेना। स्वास्तिक गलत है, अनुवीज का सही है, वह चेक करो साइन का कुछ नॉर्मल होगा।
चलो हो गया लास्ट क्वेश्चन, हो गया ये वाला। सेम वही है, इसको टी मारोगे ना तो सिंप्लीफाई होके क्या आएगा। इसका जो रिजल्ट याद रखना वो ln tan x by 2, ठीक है ना, ये ज्यादा यूज होता है। उसी तरीके से ट्रिगो के तरीके से सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा वो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लो। बस ध्यान रखना उस फंक्शन को टी मानते हैं, उस फंक्शन को टी लेट करते हैं जिसका डिफरेंशियल वहां अवेलेबल हो, ठीक है ना। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ टी मानना पड़ेगा। टी उस फंक्शन को मानते हैं जिसका डिफरेंशियल वहां अवेलेबल होता है, ठीक है। हाँ हाँ टी की वैल्यू पुट करना होगा, जिसको टी मानोगे ना वो तो डालेंगे ना। अब इसमें क्लियरली दिख रहा होगा, देखो टैन है, टैन के अंदर क्या एल एन एक्स है, तो टैन को तो मान नहीं सकते क्योंकि टैन को मानना पड़ेगा तो इस पूरे फंक्शन को मानना पड़ेगा। अंदर क्या है ln, तो अगर ln को t मानोगे तो उसका डिफरेंशियल क्या होता है 1 by x, और देखो 1 by x यहाँ पर अवेलेबल है तो क्या मान लेंगे, टैन को t मान लेंगे, सॉरी ln x को t मान लेंगे। तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, tan t dt, और tan t अभी पढ़ा हमने क्या पढ़ता है ln sec t, ln sec t आएगा बेटा, sec ln x आएगा।
सेकंड का टू इंटू फाइव प्लस टेन एक्स की पावर थ्री बाई टू, थ्री बाई टू आएगा ना, थ्री बाई थ्री थोड़ा आएगा। अब देखो सेकेंड वाले में ये टेन है, फाइव है और यहाँ सेक स्क्वायर है, तो टेन एक्स को देखो, टेन एक्स को अगर टी मानते हैं तो ये क्या आएगा, सेक स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो जिसको टी मानेंगे और उसका डेरिवेटिव दोनों अवेलेबल है। तो देखो इस क्वेश्चन के करने के कितने तरीके, मैं आपको बताता हूं। केवल tan x को t मानोगे तभी बन जाएगा, 5 plus tan x को t मानोगे तभी बन जाएगा। लेकिन देखो मैं ये बोलूंगा कि हमेशा अगर कोई ऐसा टर्म हो जिसका पावर या डिग्री अगर फ्रैक्शन में हो तो उसको इस तरीके से मानना चाहिए जिससे कि उसका फ्रैक्शनल पावर भी रिमूव हो जाए। यानी देखो अगर मान लू, मैं ऐसे मान लू कि 5 प्लस tan x को t स्क्वायर मान, फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जो पावर 1 बाई टू है अगर उसके अंदर टी स्क्वायर जाएगा तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ से टू, तो डिग्री क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन गायब हो जाएगा उसका। अब देखो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 का डिफरेंशियल 0, tan का डिफरेंशियल क्या आएगा, sec स्क्वायर इनटू dx, और ये क्या हो जाएगा, 2t dt। अब देखो sec स्क्वायर dx है तो क्वेश्चन क्या बन गया अपना, रूट ऑफ टी स्क्वायर इंटू 2t dt, टू बाहर आ गया, रूट से क्या आएगा, टी, और एक टी है तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर, फिर ये क्या आएगा, ये आएगा टू, टू की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस सी, यानी क्या आ जाएगा, टू बाय थ्री, देख रहे हैं, टू बाय थ्री इंटू टू प्लस वन, सॉरी टी की पावर थ्री हो गया। टी किसके इक्वल है, देखो टी स्क्वायर इसके इक्वल है तो टी निकालोगे तो क्या आएगा, 5 प्लस tan x की पावर 1 बाई टू, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 प्लस tan x की पावर 1 बाई टू की पावर 3 है तो ये 3 बाई टू है। ठीक है, याद रखना कि अगर ऐसा मान सकते हो, क्योंकि देखो अभी तो फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में अगर तुम फ्रैक्शनल पावर को रिमूव नहीं करोगे ना तो फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करने के लिए फर्दर एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, यानी एक और मानना पड़ेगा, तो डबल स्टेप हो जाएंगे आपके पास। तो बेहतर है कि एक ही स्टेप में दोनों प्रोसीजर को कंप्लीट कर लो, कि एक ही बार ऐसा मान लो जिससे कि फ्रैक्शन वाला पावर भी गायब हो जाए। देखो हर एक क्वेश्चन में ही अप्लीकेबल, हर एक क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का जितना क्वेश्चन करोगे मोस्ट ऑफ द 99% क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा। तो आपको सोचना ही है कि हम क्या लेट करें जिससे कि उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो। तो दिमाग आपको सोचने में इसी में लगाने हैं कि किस पार्ट को लेट किया जाए जिससे कि डेरिवेटिव अवेलेबल हो उसका, यही हमें सोचना है। थर्ड में क्या मानेंगे बताओ कोई, बहुत सही, बिल्कुल सही बताया दीप गरम ने, एक्स क्यूब को टी मान लेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऊपर एक्स स्क्वायर है ना और नीचे वन प्लस एक्स की पावर सिक्स है, थोड़ा अजीब है, और सिंप्लीफाई हमेशा नीचे वाले को करते हैं, ऊपर तो हमेशा साथ में है ना। तो देखो इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर सिक्स है, x की पावर सिक्स को क्या लिख सकते हैं, x की पावर थ्री की पावर टू। अब अगर
एक्स की पावर थ्री को टी मान लें तो एक्स की पावर थ्री का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर है तो क्या बन जाएगा डी टी थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, थ्री को डिवाइड कर दो डी टी बाई थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ऐसे ही सोचना पड़ता है, धीरे धीरे सोचोगे तो फिर वो डेवलप भी होगा कि किसको माना जाए, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग दिया हूँ, कोई इसमें रिपीटेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज मानना तो है लेकिन कैसे कैसे मानना है वो हर एक में अलग अलग है। तो इसके जगह पर क्या आएगा डी टी बाई थ्री और ये हो गया वन प्लस टी स्क्वायर, यानी क्या आएगा और याद है डी एक्स अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या बनेगा टैन इनवर्स टी प्लस सी, टी को फिर एक्स क्यूब से रिप्लेस कर दो। देखो ये तो सोचना पड़ेगा, ये तो भाई सोचना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो थोड़ा यूज टू हो जाओगे, अभी हो सकता है एकदम नया नया हो तो थोड़ा सोचने में प्रॉब्लम हो। अब सोचना कैसे होता है, कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल टाइप का समझो, शुरू में हिट एंड ट्रायल टाइप का मान के चलो कि ऐसा कुछ कुछ कोई मान के तुम्हें तो थोड़ा लगे ना कि भाई इसको मानने से कुछ बन सकता है तो मान के देखो कि अगर बन रहा है तो ठीक बात है, नहीं बना तो कुछ और सोचो। तो तरीका है ये सोचने का कि जो दिमाग में आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करो, बनेगा तो अच्छी बात है नहीं तो कुछ और सोचो। फिर हाँ थर्ड में क्या माने बताओ, बिल्कुल सही अनवी ने बिल्कुल सही बताया, टैन एक्स टैन इनवर्स एक्स क्यूब को टी मानोगे ना, इसको टी मानोगे तो ये पूरा टर्म जो है ना डीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है देखो ये सोचना पड़ेगा, ये कोई इसका कोई हिडन मतलब कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं है जो मैं या कोई भी तुमको बता दे और तुम सीख लो, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस है और तरीका वही है कि आप कुछ सोच के देखो भाई, किसी को तो मानना पड़ेगा ना क्योंकि मानने बिना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं कि बना पाए हम लोग, तो कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा, क्या माने तो सोचना पड़ेगा, तो वही सोचो अगर तुम्हें लगता है इस टर्म को मानते हैं तो डीटी मिल जाएगा तो मान के देखो, जैसे मान लो एक बार में नहीं होगा दूसरी बार हो जाएगा, तो जैसे जैसे होगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है तो मान लो ट्राई करो फिर बनेगा।
देखा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी टी बाई थ्री इंटू टी डी टी, नहीं नहीं साइन स्क्वायर ही है, उससे क्यूब नहीं होगा, क्यूब से तो बनेगा ही नहीं, मतलब क्यूब हो, मैं क्या बोलूँ, स्क्वायर हो क्यूब हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा प्रोसीजर पे, मतलब बिल्कुल सही, दीप करण ने बिल्कुल सही बताया कि इसको टी मान लो, तो अगर एक्स बाई थ्री बाई टू को टी मानोगे तो क्या आएगा डेरिवेटिव, एक्स की पावर रूट टू, मतलब एक्स की पावर हाफ आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये अवेलेबल है, तो मैं ये बोलूंगा कि केवल इसको मानने से बेहतर है कि पूरे को टी मान लो, मतलब एक्स क्यूब बाई, मतलब एक्स की पावर थ्री बाई टू माइनस वन, अगर इस पूरे को टी मानते हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट है ना यार, कॉन्स्टेंट में फर्क पड़ेगा नहीं, तो इस पूरे को टी मान लोगे ना तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर डी, साइन स्क्वायर टी डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, तो बताया था साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू वाले फॉर्मूला से उसका डिग्री वन कर लेंगे, लास्ट क्लास में दिया था, तुमने डाउट पूछा नहीं तो इसका मतलब बन गया होगा, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए, कर लेना इसको प्रैक्टिस कर लेना, देखो ये ऐसा मेथड है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी इसमें पॉसिबिलिटी है उसमें रिजल्ट आने की,
ये वाला जो है क्लास 11 का एक रिजल्ट होता है ट्रिगो में, वो यूज करोगे तो हो जाएगा। ये ई की पावर वाला एक टाइप है, मतलब है इसी में, लेकिन करना मतलब नहीं बनेगा तो पूछ लेना, ऐसा नहीं कि किया ही नहीं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ कंसेप्ट है। चलो इतने क्वेश्चन कर लेना, ठीक है कर लेना, नहीं बने तो पूछ लेना, ऐसा नहीं कि किया भी नहीं और पूछा भी नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में कुछ स्टार्ट करेंगे, और उसका कर लेना, क्या नाम है, आरडी शर्मा वगैरह का जो एमओएस का क्वेश्चन है वो कर लेना, ताकि थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए इसमें। इंटीग्रेशन जो इनडेफिनेट है वो बहुत मुश्किल भी होता है, आसान भी होता है, मैथ्स में सबसे ज्यादा डिमांड करता है प्रैक्टिस का, कैलकुलस के पूरे पार्ट में। टेस्ट का सिलेबस एज यूजुअल है, जो था इंटीग्रेशन नहीं आएगा, या देखते हैं इंटीग्रेशन में थोड़ा ही पढ़ेंगे हम लोग, ज्यादा तो कर नहीं पाएंगे। चलो अभी तक तो वही है, कुछ चेंज होगा तो बता दूंगा मैं, ठीक है, ओके चलो बाय, बिल्कुल बाय, थैंक यू, चलो।